हाय गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे बैलेंसी अर्थात संयोजकता की। मेरा कथन केवल इतना है कि हम किसी भी तत्व में कैसे ज्ञात करें कि इसकी संयोजकता कितनी होती है। आपने देखा होगा कार्बन की संयोजकता 4, नाइट्रोजन की 3, सल्फर की 2, ऑक्सीजन की 2, क्लोरीन की 1, इस प्रकार की संयोजकताएं आपने अच्छे से पढ़ी हैं। उन्हीं संयोजकताओं को कैसे निकाला जाता है, संयोजकताओं को कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए आज छोटा सा लेक्चर है, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने आपके लिए व्हाइटबोर्ड पर परिभाषा लिखी है संयोजकता। संयोजकता का मतलब होता है बैलेंसिंग, अर्थात बैलेंस करने वाले इलेक्ट्रॉन को ही हम कहा जाता है संयोजकता कहते हैं। संयोजकता का मतलब होता है कि कोई भी तत्व हो, उस तत्व के अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो, यदि वो इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं है, स्थायी का मतलब है आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या हीलियम को छोड़कर 8 होनी चाहिए, तब वो एलिमेंट स्थायी माना जाता है। हीलियम को छोड़कर प्रत्येक एलिमेंट या आक्रिय गैसों को छोड़कर सभी तत्वों की अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अर्थात वो स्थायी होना चाहिए। इसीलिए कोई भी तत्व क्या करता है कि अपने अंतिम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि वो कम है तो यदि स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन करता क्या है, अर्थात तत्व करता क्या है कि स्थायी विन्यास के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी करता है। इस बात पर आप ध्यान दें। तो यहां पर परिभाषा जो लिखी है आप खुद देख लें, किसी तत्व के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अन्य परमाणुओं के साथ स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए आदान प्रदान या साझेदारी करती है। अपने कक्षा को या अपने कोष को पूर्ण रूप से स्थायी करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, वही संयोजकता कहलाती है। जैसे कि और जो अंतिम कोष होता है उस अंतिम कोष को हम संयोजी कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी कोष। जैसे कि मैंने बात की सोडियम पर, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो यदि इसमें हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, हमने अपनी ही वीडियो में इसी चैनल पर बोहर बड़ी की स्कीम आपको पढ़ाई है और उसमें हमने बोहर बड़ी का इलेक्ट्रॉन विन्यास सिखाया है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो आप देखिए 2, 8 and 1। तो आप देखें जो अंत में इलेक्ट्रॉन लिखा है उसी को बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अंत की जो सेल होती है इसी को बोलते हैं संयोजी कोष। क्या बोलते हैं? संयोजी कोष। जो किसी भी तत्व की अंत में जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और अंत में जितना लिखा जल कोष होती है उसी को बोलते हैं संयोजी कोष। अब आप देखते हैं कि सोडियम की अंतर कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसे स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसको कितने चाहिए? 7। तो अब ये 7 किसी अन्य एलिमेंट से ग्रहण भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हो वो कम से कम आपको यदि किसी तत्व के अंतिम कोष में, यदि भी तत्व उसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन यदि 1 है 2 है 3 है या 4 है तो संयोजकता भी, तो संयोजकता क्या होगी? तो संयोजकता भी आपकी 1 होगी 2 होगी 3 होगी और 4 होगी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन ना तो दान कर सकता है और ना भी ग्रहण कर सकता है। इसलिए मैंने कहा किसी तत्व के अंतर कोष में 1 2 3 4 तो संयोजकता भी 2 3 4 ही होगी। और यदि अंतिम कोष में
कोष में 5 से 7 तक इलेक्ट्रॉन है तो होगा क्या, तो संयोजकता जो होती है, संयोजकता होती है 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 मतलब 5 है तो 8 में से घटेंगे अर्थात 3, 6 है तो 8 में से घटेंगे अर्थात 2, 7 है तो 8 में से घटेंगे 1। इस बात में जैसे हमने लिया कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो इसका सबसे पहले करेंगे इलेक्ट्रॉन गणना, लिखा 2 फिर लिखा 8 और फिर लिखा 2, केवल 7 है तो 2.5, तो अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो हमने पूछा यदि अंतिम कोष में 5 से 7 तक इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, संरचना निकालेंगे, क्या करते हैं 8 में से अंतिम ऊर्जा की 5 घटाते हैं अर्थात संरचना कितने की 3। लेकिन यहां भी संरचना की हम बात करें इस वाले संरचना में तो आपका यहाँ पहला रूल चालू होगा कि यदि किसी तत्व के अंतिम कोष में 1, 2, 3, 4, 2 संरचना भी 1, 2, 3, 4 होगी, जैसे इसकी अंतिम ऊर्जा कितना है 1 तो संरचना कितनी होगी। यदि जैसे हमने लिखा नियोन, तो हमने कहा नियोन की संयोजकता कितनी होती है तो नियोन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10, देखेंगे 2.1। आप देखिए अंतिम कक्षा में केवल केवल 8 इलेक्ट्रॉन है अर्थात इसकी कक्षा स्थाई है, स्टेबल है, ना तो इसको इलेक्ट्रॉन दान करना है ना इसको इलेक्ट्रॉन घटाना है, इसलिए इसकी बैलेंसी अर्थात वी शून्य होगी, कितनी होगी 0। आप किसी का भी निकालें जैसे सपोज आपको कहा मैग्नीशियम का या आपको कहा एल्यूमिनियम का या आपको कहा पोटेशियम का, तो मैग्नीशियम कौन कौन होता है 12, देखिए आप 2.8.2 तो समझ आता कितनी हुई, इसके अंतर कक्षा में कितना है 2, तो हमने कहा किसी तत्व के अंतर कक्ष में 1, 2, 3, 4 में कुछ भी हो 2 है तो बैलेंस कितनी होगी, एल्यूमिनियम का परमाणु नंबर 13, 2, 1.3 तो अब देखिए इसकी बैलेंस कितनी होगी, इसकी अंतिम कक्षा में कितना 3 तो संख्या 3 है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 19 तो देखो 2, 1, 1 एंड 1। अब देखिए बैलेंस कितनी हुई इसकी ओनली 1, क्यों हुई 1 तो अच्छा है 1 है। इस बात को आप हमेशा ध्यान देना कि संयोजकता हम कैसे निकालते हैं किसी एलिमेंट की, कि यदि किसी तत्व का सबसे पहले तो कहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो उसके अंदर कक्षा में 1 है तो संख्या 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, 4 है तो 4 होगी, यदि 5 से 6, 7, 8 तो आप 8 में से जितनी अंतिम कोष में होंगे उतनी इलेक्ट्रॉन घटा देगा, जैसे जो एग्जाम्पल ले लूं मैं यहाँ पर, देखिए जैसे हमने लिया फॉस्फोरस परमाणु क्रमांक होता है 15, जैसे हमने लिया सिलिकॉन परमाणु क्रमांक होता है 14, ठीक है, जैसे कि हमने लिया आपके लिए आर्गन परमाणु क्रमांक होता है 18, इसकी संयोजकता की बात करें तो फॉस्फोरस का सबसे पहले संयोजकता पता लगानी है तो सबसे पहले करेंगे इलेक्ट्रॉन गिनना, देखो 2, 8, 5 तो अंतिम कक्षा में कितना है 5 है अर्थात आपका क्या करना होगा 8 में से 5 घटाना होंगे 3, क्योंकि हमने बताया कि 5 से 7 तक तो 8 में से घटाएंगे अंतिम कक्षा से, ये देखो 2.1.4 क्यों कहा था 1, 2, 3, 4 में सोता अंतर कक्षा 4, इसमें देखा था 2.1.1 आठवीं 16, 2, 18 अर्थात संयोजकता कितनी होगी 0, कितनी होगी 0, क्योंकि हमारा जाहिर है प्रत्येक तत्व चाहता है अपने अंतर कक्षा में स्थायी विन्यास करें, तो स्थायी विन्यास का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ये थी आपकी संयोजकता को कैसे निकालते हैं, इस प्रकार नियोन हो या कोई भी एलिमेंट हो इस रूल को आप ध्यान देंगे तो इस संयोजकता यानी क्या होगी कंप्लीट होगी, धैर्य पूर्वक आपको वीडियो को देखना होगा तभी आपको संयोजकता कंप्लीट समझ में आएंगी, ठीक, तो आज के लिए यही लेक्चर था आपके लिए, तो आप इसको लिखिए और किसी भी एलिमेंट की अगर बैलेंसिंग क्लियर ना हो तो आप हमें बताएं।